नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टुडे एकेडमी के आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम विराट कोहली के लोशुग्रे टेबल को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी यंग एज में यह मुकाम हासिल किया, और साथ साथ आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये जान सकते हैं कि आपका लोशुग्रे टेबल कितना पावरफुल है। यदि आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। विराट कोहली की बर्थ डेट 5th ऑफ नवंबर 1988 है। फर्स्ट स्टेप में इनका मूलांक कैलकुलेट करेंगे। मूलांक कैलकुलेट करने के लिए इस बर्थ डिटेल में से जिस भी डेट को जन्म हुआ है उसका टोटल करेंगे। यदि आपकी बर्थ डेट सिंगल डिजिट में ही है, जैसे 1 से 9 के बीच में, तो आपका मूलांक आपकी बर्थ डेट ही है। जैसे आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है, और 8 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 8 है। और यदि आपका जन्म 10 से 31 तारीख के बीच में हुआ है, जैसे 13 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1+3 करने पर 4 आएगा, यानी आपका मूलांक 4 है। और यदि जन्म 26 तारीख को हुआ है तो मूलांक निकालने के लिए 2+6 करेंगे, यानी आपका मूलांक 8 है। विराट कोहली के मूलांक की बात करें तो इनका जन्म 5 तारीख को हुआ है तो इनका मूलांक 5 बनता है। सेकेंड स्टेप में इनका भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। भाग्यांक कैलकुलेट करने के लिए हम डेट ऑफ बर्थ के सभी डिजिट्स का टोटल करेंगे। इसमें बर्थ डेट, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर के सभी डिजिट्स का टोटल करके हम भाग्यांक निकाल सकते हैं। विराट कोहली का भाग्यांक निकालने के लिए इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे, जो कि 5+1+1+1+9+8+8 यानी कि 33 आ रहा है। इस 33 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा ऐड करेंगे, यानी 3+3 करेंगे तो 6 आएगा, यानी इनका भाग्यांक 6 है। आइए अब विराट कोहली के लोशुग्रे टेबल में इनकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे नंबर्स को प्लेस करते हैं और साथ ही मूलांक और भाग्यांक को भी प्लेस करेंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नंबर्स 5, 1, 1, 1, 9, 8 और 8 को स्टैंडर्ड लोशुग्रे टेबल के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया है, और साथ ही मूलांक जो कि 5 है और भाग्यांक जो कि 6 आया है उसे भी प्लेस किया है। इस टेबल के अकॉर्डिंग 5 और 8 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। नंबर 1 3 बार आ रहा है, वहीं 6 और 9 एक एक बार आ रहे हैं। 4, 2, 3 और 7 नंबर मिसिंग हैं। इसके अलावा इनके टेबल में 2 रोज कंप्लीट हो रही हैं, जिसमें 9, 5 और 1 विल पावर प्लेन है और 8, 1, 6 वाली रो फिजिकल प्लेन है। जिन भी लोगों के टेबल में 9, 5 और 1 यानी विल पावर प्लेन कंप्लीट होता है, ऐसे लोग अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक मुकाम जरूर हासिल करते हैं, और साथ ही ऐसे लोग इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले होते हैं। लाइफ में अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल करने वाले और फाइटिंग स्पिरिट से भरपूर होते हैं। लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हर सिचुएशन का डट कर सामना करने वाले होते हैं। नंबर 9 जहाँ इन्हें जोश और एनर्जी देता है। नंबर 1 इन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जो इन्हें लाइफ में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने में मदद करता है। फिजिकल प्लेन यानी 8, 1, 6 वाली रो की बात करें तो अंक 8 शनि देव को रिप्रेजेंट करता है, अंक 1 सूर्य देव को और नंबर 6 शुक्र देव का नंबर है। ये तीनों ही नंबर्स लाइफ में नेम और फेम दिलाते हैं। ऐसे लोग अपने काम के प्रति डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं। इन लोगों को यदि लाइफ में सही दिशा और मार्गदर्शन मिले तो ये जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। विराट कोहली के लोशुग्रे टेबल की बात करें तो इनके टेबल में 8, 1, 6 और 9, 5, 1 वाला प्लेन दोनों ही कंप्लीट हो रहे हैं। यही कारण है कि इनकी विल पावर और डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। इनके अंदर क्रिकेट के प्रति इतना पैशन और जुनून देखा जा सकता है। इन्होंने यंग एज में ही इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन का खिताब हासिल किया और टीम में एक नया जोश और सफूर्ती भर दी और दुनिया में नेम एंड फेम हासिल किया। और ऐसे ही जिन लोगों के 9, 5, 1 का प्लेन मिसिंग होता है, ऐसे लोगों की विल पावर में कमी देखी जा सकती है। और वहीं जिन लोगों के टेबल में 8, 1, 6 वाला प्लेन मिसिंग होता है, ऐसे लोगों को लाइफ में सक्सेस बहुत देर से मिलती है। यदि आपके टेबल में बताए गए अंकों में से कोई भी नंबर मिसिंग है तो आप मिसिंग नंबर से जुड़े उपाय जरूर करें और साथ ही उस ग्रह का मंत्र जाप भी करें। सभी नंबर से जुड़े ग्रहों के उपाय और मंत्रों के वीडियोस के लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और यदि आप अपना लकी जेमस्टोन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल सेंड करें। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।
कल मिलते हैं एक और नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ।